वेलकम टू एनसीसी मित्र। एनसीसी मित्र में आपका स्वागत है। जय कैलेट्स, मैं राम सिंह वरुण एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर एक नई जानकारी के साथ, जिसका शीर्षक है जमीनी निशानों को पहचानना, वर्णन और इंडिकेट करने का तरीका। साथ ही आप सभी का शुक्रिया आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। साथ ही आपसे अनुरोध है नीचे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव और क्वेरीज रख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस लेसन की तरफ, जिसका नाम है जमीनी निशान को पहचानना, वर्णन और इंडिकेट करने का तरीका। एक सेक्शन में एक आम जवान या एक सेक्शन कमांडर होने के नाते आपको जरूरी है कि आप अपने कमांडर को या अपने सेक्शन के जवानों को आप टारगेट और जमीनी निशान दिखाएं। ये किस प्रकार से किया जाता है, आइए हम इसको इस लेसन में जानते हैं। जैसे कि मैंने तीन भागों में बांटा है, भाग नंबर एक में परिभाषाएं, भाग नंबर दो में आसान टारगेट को बैन करने का तरीका और भाग नंबर तीन में मुश्किल टारगेट को बैन करने का तरीका। तो भाग नंबर एक में लेते हैं कुछ परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा है जमीनी निशान। जमीनी निशान वो निशान होते हैं जो मशहूर होते हैं, जिनका इस्तेमाल एक कमांडर अपने वर्बल ऑर्डर्स या मौखिक आदेश के लिए करता है। इनका दिखाई देना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका मैप पर होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें किसी मशहूर निशान, जैसे संगम की, तो संगम एक मशहूर निशान सभी को मालूम है। आपके सामने विषय को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको मालूम है कि वो जमीन पर कहीं मौजूद है। इसी प्रकार से दूसरा है टारगेट। टारगेट वो निशान होता है जिसे फायर करने के लिए एक कमांडर द्वारा या किसी हथियार के लिए नियुक्त किया जाता है। और तीसरे में है मदद का निशान। मदद के निशान वो निशान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने के वक्त चुना जाता है। इन्हें एक कमांडर जरूरत पड़ने के वक्त चुनता है ताकि इसकी मदद से दूसरे निशानों का तय किया जा सके। इनका ग्राउंड पर दिखाई देना जरूरी है, लेकिन ये मैप पर हो इसका कोई होना इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना, जमीन निशान और मदद के निशान में बेसिक फर्क यह है कि जमीन निशान वो मशहूर निशान होते हैं जो कि ग्राउंड पे मौजूद है, उनको मैप पर होना जरूरी है लेकिन उनका ग्राउंड पर दिखाई देना जरूरी नहीं है। लेकिन मदद के निशान वो निशान होते हैं जिनका ग्राउंड पर दिखाई देना जरूरी होता है, उनको उसी वक्त चुना जाता है फौरी तौर पर, इनका मैप पर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर भाग नंबर एक सॉल्व होता है। भाग नंबर दो लेते हैं आसान टारगेट का इंडिकेशन। आसान टारगेट को किस प्रकार से दिखाएंगे, तो सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन करके। आप जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने सेक्शन को बोल सकते हैं, सेक्शन सामने देखें एक लोहे का ब्रिज, नाम लोहे का ब्रिज। तो कुदरती तौर पर वहां पर सिर्फ एक ही ब्रिज है, वो लोहे का ब्रिज है। तो आपने उसको बैन भी कर दिया है, तो आपके सेक्शन को, आपके सेक्शन के कमांडर को, सेक्शन के बाकी जवान को पता लग जाएगा कि ये इसी ब्रिज की बात है, क्योंकि लोहे का है, उसके अलावा वहां पर कोई ब्रिज नहीं है। दूसरा तरीका हो सकता है डायरेक्शन के तरीके से, यानी दिशा के तरीके से। आप ये बोल सकते हैं सेक्शन बाएं एक लोहे का ब्रिज, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्शन भी दे रहे हैं और आप उसका वर्णन भी कर रहे हैं। तो सेक्शन दाएं देखेगा तो उसको पता लगेगा कि वहां पर एक लोहे का ब्रिज है। इसको और अच्छी प्रकार से करने के लिए क्या बोल सकते हैं, रेंज भी दे सकते हैं आप। तो उसमें बोल सकते हैं सेक्शन सामने 600 लोहे का ब्रिज, यानी 600 मीटर की दूरी पर एक लोहे का ब्रिज है, यहां पर आप रेंज दे रहे हैं। और फिर एक तीसरा तरीका जिसमें आप दोनों चीजें, यानी डायरेक्शन और रेंज दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, सेक्शन दाएं 600 एक लोहे का ब्रिज, नाम लोहे का ब्रिज। ये नाम देख सकते हैं, उसमें आपने डायरेक्शन और रेंज दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये था आपको आसान टारगेट को बैन करने का तरीका, जिसमें कि आपने वर्णन करके, डायरेक्शन देकर, रेंज देकर और डायरेक्शन और रेंज दोनों की मदद से आपने आसान टारगेट का बैन किया। अब आते हैं मुश्किल टारगेट का बैन। मुश्किल टारगेट का बैन ये होता है कि जब आप एक उसके जैसे लगभग और टारगेट हो, या किसी भीड़ के बीच में से आपने किसी टारगेट को इंडिकेट करना है, तब आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है। उस समय हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन का तरीका। अब यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते समय हम कुछ एक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, इसका मतलब है 10 डिग्री दाएं या 10 डिग्री बाएं। फिर हम बोलते हैं एक चौथाई दाएं एक चौथाई बाएं, तो ये आपका लगभग 22.5 डिग्री, एक चौथाई दाएं एक चौथाई बाएं। उसके अलावा फिर हम बोलते हैं आधा बाएं आधा दाएं, इसका मतलब है 45 डिग्री बाएं या दाएं। इसका बोलते हैं पूरा दाएं या पूरा बाएं, सॉरी तीन चौथाई दाएं या तीन चौथाई बाएं, ये आपका 67.5 डिग्री होता है। और इसके अपने बोलते हैं पूरा दाएं या पूरा बाएं, जो कि आपका बताइए लगभग 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से होता है
तो दूसरा तरीका होता है, अब ये डायरेक्शन का तरीका, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन आमरुख को हम इसमें आमरुख का बैन कर सकते हैं, इसकी मदद से हम किसी मदद के निशान का बैन कर सकते हैं, इसकी मदद से हम जमीन निशान का भी बैन कर सकते हैं। जैसे जनरल लाइन डायरेक्शन आप किस प्रकार से बता सकते हैं, सेक्शन सामने बिल्कुल 12 बजे की सीट पर लगभग 2000 मीटर एक मंदिर, नाम मंदिर, मौजूदा पोजिशन मंदिर, दूर तक पड़ती लाइन आमरुख, ये आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन दे रहे हैं बिल्कुल सामने बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपका हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन की मदद से हम आमरुख का बयान कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है घड़ी के तरीके से, घड़ी के तरीके से यानी जिस टारगेट को आप बयान कर रहे हैं, जिस टारगेट को आप बयान कर रहे हैं वहां से अपनी पोजिशन से लेकर वहां तक आप क्या करेंगे उसको डायरेक्शन ले लेंगे। सभी मैंने आपको बताया कि आमरुख लेते समय सामने कोई चीज थी उसका मेरा बिल्कुल सामने, उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बिल्कुल सामने दूर 12 बजे 2000 मीटर एक मंदिर, मौजूदा पोजिशन मंदिर, दूर तक पड़ती है आमरुख। इसमें आप देख रहे हैं तो आमरुख का मैंने बयान किया, तो इसमें आपका मैंने क्या जोड़ दिया, इसमें घड़ी का तरीका भी जोड़ दिया। अब जब आप उस मंदिर की मदद से किसी दूसरे निशान का बयान करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये मंदिर था, इसकी मदद से आपने कोई कुआं बयान करना, तो अब ये मंदिर है ये आपको क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा उस घड़ी के हिसाब से, और आप इसकी मदद से आप जब इस पॉइंट को बयान करेंगे तो ये कुआं लगभग इसकी 3 बजे के लाइन आएगा। आप बोलेंगे सक्षम मंदिर पूरा दाएं एक कुआं, नाम कुआं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, घड़ी की मदद से इसको बयान करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप मुश्किल टारगेट को बैन कर सकते हैं। इसके अलावा मुश्किल टारगेट बैन करने के लिए बहुत सारी चीजें, देखिए वो आपके लेवल की चीजें नहीं है, आपको यहीं तक सिखाया जाने का हमें निर्देश मिलता है। इससे भी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम उसको आपको बैन करने की कोशिश करेंगे। तो कैडेट्स यहां पर आकर ये छोटा सा लेसन समाप्त होता है, आशा है मैं आपको समझाने में सफल रहा। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं, सजेशन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।